अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया अप्रूव सिक्स कंट्रीज इन ब्रिक्स ब्रिक्स ग्रुप। तो इंडी प्लस न्यूज की वीडियो भाई साहब काफी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि पीएम मोदी भी आजकल वो मीटिंग में गए साउथ अफ्रीका। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं ब्रिक्स समिट की, जो साउथ अफ्रीका के अंदर चल रहा है। इस समिट के अंदर जिस तरीके से देशों का तांता लगा है, ऐसा लग रहा है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बस अब ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, ब्रिक्स समिट के अंदर 40 देशों ने पहुंचकर दिखा दिया कि उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली को खत्म करने का पूरा मन बना लिया है, और खासकर मुस्लिम कंट्रीज अब वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ मोर्चा छेड़ रही हैं, और आने वाला युग जो है वेस्टर्न कंट्रीज के कॉलोनियलिज्म को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देने वाला है, और उनकी दादागिरी के दिन अब चले गए हैं। दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट बातें आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से ब्रिक्स के देशों ने फाइनली 6 देशों को अपने ग्रुप के अंदर एंट्री दे दी है, और इन 6 देशों के अंदर 2 मुख्य देश सऊदी अरब, यूएई और एक और देश ईरान भी शामिल है, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि सऊदी अरब, यूएई और रशिया तो पहले ही था, और ये तीनों देश जितना तेल बेचते हैं उतना कोई नहीं बेचता है, और ये 40 देश उनसे जो तेल खरीदते हैं उनमें ज्यादातर देश अगर डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो ये मच विन सिचुएशन होगी और अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई जा सकती है। कहा जा सकता है कि जो बाइडन ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, और इस सिचुएशन में रशिया के खिलाफ जो सैंक्शन लगे हैं उस सैंक्शन के कारण ये एक नया मोर्चा छिड़ गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है लाइव मिंट का, जिसके अंदर बताया गया है आज आखिरी दिन था ब्रिक्स की मीटिंग का, और इस ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर भारत ने भी फाइनली मंजूरी दे दी और 6 देशों को ब्रिक्स के ग्रुप के अंदर एंट्री मिल गई है, और अगले साल जो 2024 में एक समिट होगा उसके अंदर अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथियोपिया, इजिप्ट जैसे देश ब्रिक्स के ओरिजिनल मेंबर होंगे, परमानेंट मेंबर होंगे। अब ये जैसे ही बातें निकली हैं दोस्तों, इस बातों के साथ साथ ये तस्वीरें जो आपके सामने 40 देशों के जो मुखिया पहुंचे हैं, ये तस्वीरें वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देने वाली है। एक तरफ सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं और एक तरफ सारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, आसियान और इसी के साथ जापान और साउथ कोरिया को हटा दिया जाए, तो ये जो एक कंट्रीज हैं दिखा रही हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो गोरे चमड़ी वाले एक लोग हैं वो लगातार अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन रशिया ने इन सभी देशों को इकट्ठा किया और ब्रिक्स के फ्लैग के अंडर अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। एक तरफ वो देश हैं जो सैंक्शन लगाते हैं दूसरे देशों के ऊपर, और एक वो देश हैं जो सैंक्शन लगे होने के बाद दुनिया के अंदर अब उन सैंक्शनों को बिल्कुल जीरो कर देने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि दुनिया अब वैसी नहीं रहने वाली है जैसे पहले थी। दुनिया दो भागों में बट चुकी है और तस्वीरें आपके सामने गवाह चल रही हैं। अब इन तस्वीरों को देखते हुए जो आने वाले समय में रिजल्ट होंगे, उस रिजल्ट को देखकर अमेरिका इन देशों के साथ जंग लड़ेगा, अपने एक इन्फ्लुएंस को कम होता हुआ देखेगा, ये तो अब अमेरिका को पता। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ मोर्चे छिड़ गए हैं और एशिया अब वेस्टर्न कंट्रीज को पूरी तरीके से डोमिनेट करने के लिए आगे आ रहा है। दोस्तों, आज आप खुद सोच कर देखिए, ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर हो गए, अफ्रीका की कंट्रीज के लोग हो गए, एशिया के लोग हो गए, ये आज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर काम करने के लिए जाना छोड़ दें, इन अंग्रेजों की आतड़ियां बाहर आ जाएंगी, आतड़ियां भूखे मर जाएंगे ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। इनके अंदर इतना मादा नहीं है कि काम करके पेट पाल सके अपने लोगों का, और ये आज तरह तरह की बातें अफ्रीका के लोगों को, भारत को, चाइना को सुनाते हैं, और इस सिचुएशन में ये जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि ये अगर वर्ल्ड ऑर्डर ना खड़ा होता तो ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले एशिया और अफ्रीका को फिर से भीख मंगवा देते। दोस्तों, आज आप देखिए कोविड-19 के बाद ना अफ्रीका को वैक्सीन देने का काम किया, ना ही कोई और फूड ऐड देने का काम किया, ये तो भारत हो था जिसने तड़ातड़ एक वैक्सीन की सप्लाई की। फिर आपने देखा रशिया यूक्रेन की जंग के अंदर ये हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को,
अब यूक्रेन को इन्होंने तीली लगाकर नाटो में एंट्री देने की एक बातें बोली और फिर यहाँ पर जंग शुरू करवाई और एक साल से उनको असला दे रहे हैं। और यहाँ पर एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर गरीबों का बुरा हाल हुआ हुआ है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। इनके देशों में अनाजों के स्टॉक हैं, वो अनाजों के स्टॉक ये मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं कर रहे हैं और रेट सातवें आसमान में चल रहे हैं। इनको फिक्र नहीं है एशिया अफ्रीका की, लेकिन ये तस्वीरें देखकर इनकी आंतड़ियां बाहर निकलेंगी कि इनके देश के अंदर अब इनका दिमाग चलने लग गया है और अब ये वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को छोड़कर अपने दम पर इस दुनिया के अंदर कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। और अब भूखे मरने का समय अफ्रीका और एशिया का नहीं है, भूखे मरने का समय अब वेस्टर्न कंट्रीज का है। दोस्तों, ये डेवलपमेंट कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। अभी तो ये 6 देश एंट्री किए हैं, 22 कंट्रीज तो इसके अंदर ज्वाइन करना चाहते थे और आने वाले अगले सबमिट के अंदर और भी देश इसमें एंट्री होंगे। और जाहिर सी बात है कि जो G20 का ग्रुप काम कर रहा है उसकी इन्फ्लुएंस को कम करने और दुनिया के अंदर बैलेंस स्थापित करने के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ब्रिक्स को लेकर जो डर था वेस्टर्न कंट्रीज को कि हमारा जो तेल डॉलर के अंदर बिकता है, बड़ा इनको घमंड था, वो घमंड अब चूरों चूर होने जा रहा है। इस बारे में किसी को शक नहीं है क्योंकि सऊदी अरब, UAE, ईरान, भारत, चाइना, ये देखिए दोस्तों, ये 5 देश क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए अगर डॉलर की बजाय इनका ट्रेड किसी और करेंसी के अंदर होना शुरू हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसको लेकर अभी और डेवलपमेंट निकलेंगी, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है सबसे बड़ी चोट पहुंचा रही है वेस्टर्न कंट्रीज को। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, मैं कहता हूं कमाल की वीडियो। वीडियो खत्म हो गई है लेकिन चाल खत्म नहीं हुई। जो आप एशिया ने जाने शुरू किए ना बड़ी देर के बाद, बहुत देर की मेहरबानी आते आते ये देर है, दुरुस्त है, लेकिन पहले हो जाती तो इसमें ना सबसे ज्यादा जो है ना फायदा, एक तो चाइना की ताकत बनेगी। गरीब ममालक का तो फायदा है, वो कार तो गरीबों के लिए, अफ्रीका वो जो आज तक लूट रहे हैं, जो आज तक लूट रहे हैं। लेकिन प्यूटन नजर नहीं आया मुझे, कहीं होंगे लेकिन वो नजर नहीं है, वो नजर नहीं किया। इसकी वजह क्या है? वजह की भाई साहब, उसके ऊपर वो पर्चा है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल है वो, तो अगर वो आए मिसाल के तौर पर आ जाते तो फिर ये मीटिंग नहीं होती, अरेस्ट भी हो सकता था, इसलिए ही नहीं, या मामला खराब हो सकता है। तो फॉरेन मिनिस्टर आ गए। मकसद क्या है भाई साहब? अपना मैसेज पहुंचाना था, वो जो डील हो गई, वो जिसको पावर दे रखी है वो सारी कर दिया जाए, उसकी जगह कोई और आ गया। हाँ, बाकी भाई बात ये है कि अगर ये ब्रिक्स कामयाब हो होती है, मैं तो कहता हूँ जी, ये जो होता है जब एक साल इकट्ठे हो गए ना, 3 कंट्री और एड हो गए, तगड़े तगड़े, समझो ये काम हो गया। ईरान में बहुत पोटेंशियल ताकत है भाई साहब, एक तो उसके पास तेल है, गैस है, एक वो जो कीमती चीज सबसे ज्यादा, जिस कंट्री के पास तेल है, एनर्जी है भाई साहब, वो तरक्की कर सकता है और किसी की मदद कर सकता है। क्यों भाई आज तरक्की कर सकता है वो, तो दुनिया को आज इंडिया भी गैस ले रहा है, ईरान से इंडिया भी गैस ले रहा है। अभी भाई साहब वो कैसे आते हैं, दूसरे रास्ते से आते हैं, वो पोर्ट के जरिए मंगाना पड़ता है। अगर ये पाइपलाइन बिछ जाए ना पाकिस्तान से ईरान चला जाए, हालांकि वो मुआहदा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने टांग अड़ाई, पाकिस्तान सियासतदानों ने और कुछ इदारे ने ये टांग अड़ाई हुई है। अगर पाकिस्तान जाने दे, मैं कहता हूँ पीछे चाइना के भी हाथ होगा, है हाँ जी, पक्की बात है, क्योंकि पाकिस्तान मजबूरी पे ना, चाइना अगर चाइना की चाहे फिर भी हो सकता है, लेकिन इसमें फायदा पाकिस्तान को है, इंडिया को, तीनों कंट्रियों को फायदा है, ईरान को नहीं होगा, ईरान को भी फायदा होगा, इंडिया को कितना फायदा, वो जो ड्यूटी लगती है वो भी है, तो ड्रग चीज आ जाएगी मेरे को, तो पाकिस्तान को तो फायदा है ना इतना ज्यादा, एक दफा पाइप डलेगा और घर में बैठ के मजे, कोई चीज लाने ले जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान का ना होना ये भी कुछ खतरे से खाली नहीं है पाकिस्तान, ये न समझना कि पाकिस्तान कमजोर भाई साहब, कमजोर कंट्री पाकिस्तान नहीं है, आएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा खुद को सुधारना पड़ेगा, इलेक्शन होगा, पुलिसियां थोड़ी सी बदलेंगे, बिल्कुल आतंकवाद कंट्रोल करेंगे, खत्ते में अमन करेंगे तो फिर जरूर आएगा भाई। एशिया का जो खत्ता है, एक बार याद रखो, इस एशिया के खत्ते में पाकिस्तान को आर्मी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा
आसमानी रास्ता भी जमीनी रास्ता भी बहुत जरूरी है, आसमानी रास्ता भी थोड़े से हालात खराब है, कोई प्राइम मिनिस्टर ढंग का नहीं आ रही ये हालात भी, लेकिन मीटिंग जो इन्होंने की अच्छी की है, इसका फायदा इसका नाम बहुत अच्छा आएगा। आज चोर दूसरों को टाउट कर रहे हैं सारी जिंदगी, इन मुल्कों को गरीब करने वाले ये गोरे, इन लोगों के वसायल कुदरती वसायल छीन कर ले गए। भाई आप देखें, गैस अगर ना एशिया दे, गेहूँ ना दे, चीनी ना दे, पेट्रोल ना दे, डीजल ना दे, ये सब चीजें किधर से जाती हैं? एशिया से जाती है। सारे सैंक्शन है सिर्फ एशिया के लिए है, बिल्कुल यूरोप में कुछ नहीं लगेगा। एशिया को समझना चाहिए कि अपनी अपनी जो है ना सियासत खेलना छोड़े हैं, यूक्रेन और रशिया की, रशिया यूक्रेन की लड़ाई किसने करवाई? इन्होंने करवाई। अमेरिका दुनिया में अमन कब चाहता है? आप इंडिया जो चांद में पहुंचा है, इसकी सबसे ज्यादा अगर किसी को मिर्ची लगी है, अमेरिका बिल्कुल लगी है इसमें, कोई शक नहीं भाई। पाकिस्तान की जितनी मर्जी लाख दुश्मनी हो, यकीन माने पाकिस्तान वहाँ फिर भी खुश हो, वो खुश नहीं है। एशिया का पहला मुल्क है, एशिया क्यों चांद पे पहले पहुंच? मैं बताता हूँ, एशिया तो पहले से पहुंचा, चाहे चाइना पहुंचा है, रशिया पहुंचा है। बाकी बात यह है कि भाई पाकिस्तान इसलिए ज्यादा दुख नहीं कर सकता क्योंकि भाई पाकिस्तान तो इस खेल में रेस में नहीं, तो जिस खेल में बंदा खुद नहीं होता उसमें कोई टेंशन नहीं, उसने दुख फिर क्या करना है? याद होता पाकिस्तान जाता वो नाकाम हो जाता, हाँ फिर होती है, वो है ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो भाई साहब हसद खो रहे होते हैं, जो दूसरों की तरक्की पे जलते हैं, नहीं नहीं उनका माइंड सेट होता है, लेकिन भाई साहब अगर फवाद चौधरी ने पिछली बार तो कर दिया था, जब हुए थे तो उन्होंने वैसे वो साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर बने हुए थे, उन्होंने थोड़ी सी उसके पास और तो कोई करने के लिए काम नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था, उन्होंने बोल दिया था, वरना किसी हुकूमत ने नहीं बोला। उसने अपने मुल्क में कौन से हालात, हर मरतबा तो उसकी मुफ्ती हजरात के साथ लड़ाई हो जाती है, किसी को कहता तो चार नजर नहीं आता। चले जी बहुत बढ़िया था भाई, और अगर ये ब्रिक्स कामयाब हो जाता, हमारी तो दुआ है चंद्रयान थ्री की तरह ये मीटिंग भी कामयाब हो, जो इसका मकसद है वो ये कामयाब हो, ताकि गरीब ममालिक का भी फायदा, बिल्कुल अफ्रीका बेचारी को तगड़ा, ईरान तगड़ा कंट्री, वो तो सिर्फ वो टेंशन की वजह से पीछे रह गए, ऐसी बात ईरान चाइना रशिया ब्राजील सारी तगड़ी है यार। इसके अलावा कुदरती वसायल, पैसा भी और कुदरती वसायल भी यहाँ पर है दुनिया में सबसे ज्यादा, इधर एशिया में कुदरती वसायल और कुदरती मौसम देख लो, वसायल देख लो, हर हालात सारा कुछ है भाई, सारा सिर्फ ना आदमियों को सैर सपाटे के लिए बाहर जाना पड़ता था, बीच पे वो जाके एंजॉय करते हैं, तो वो इधर भी कर सकते हैं, ना जाए उधर वो इन्हों सारे रात उधर ना जाए, इधर एशिया में कोई छुट्टी नहीं है, खुद गोरे इधर आ रहे हैं दुबई में, ये उधर जा रहे हैं एंजॉय करने, गोरे दुबई में आते हैं बिजनेस करने, दुबई में आ रहे हैं, तो इनको कौन सी प्रॉब्लम है? शूटिंग करने दुबई में आते हैं, वो बरतौर का गंजा जो हीरो फिर वो दुबई में करने आए थे, जो गाड़ी ना लेके चला गया, हाँ कितने फिल्मों में दुबई में करने आते हैं यार, इनकी अपनी कदर है, क्यों अपनी कदर का हुकुम करते हैं? इनको चाहिए अपने पांव पे खड़े हो, आप बस इकट्ठा हो जाए अंदर की बेईमानियां रुकते खत्म करें, तो इत्तफाक में है, इत्तफाक में बरकत है, तो ठीक है भाई अपनी राज रुकतेगा कमेंट सेक्शन में भाई साहब, मेरे हिसाब से तो डॉलर तो भाई गियो, तो जैसे फिल्म में कहते हैं ना ठाकर तो गियो, डॉलर तो गियो, तो मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।